जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आप पर हकीकत खुलनी शुरू हो गई, जिसकी आरज़ू में आप जी रहे थे, जिसकी बरसों से तलाश थी और जिसके लिए आप तन्हाई में बेताब हुआ करते थे। बातिन यकायक दमक उठा और आप पर हिदायत का इल्हाम होने लगा। आपको सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे और मुसलसल आने लगे। आपको अंदाज़ा हुआ कि कौम कितनी गलत बातों में गिरफ़्तार है, इसकी अकीदों में कितना बिगाड़ है और वह सीधी राह से कितनी दूर है। आप ये जान गए थे कि तन्हा अल्लाह ही सबका माबूद है, इसका कोई शरीक और साझी नहीं, सारे इंसान उसी के बंदे हैं। आपको बराबर सच्चे ख्वाब नज़र आ रहे थे। आपको एक ज़माने से हकीकत की तलाश थी। इस हकीकत को पाकर आप बेहद खुश हुए, लेकिन इसका ऐलान करने पर कौम का क्या रवैया होगा, यह सोचकर आप घबरा उठे और खौफ से दिल रजने लगा। जब ख्वाब सुबह की तरह रोशन हो जाता और उसकी ताबीर खुलकर सामने आ जाती और नामालूम बातें भी मालूम हो जातीं, तो आप बहुत फ़िक्रमंद होते। जहन में तरह तरह के ख्यालात गूंजने लगते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बारे में शुबा होने लगता। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को सारा हाल कह सुनाया और दिल पर जो बीत रही थी वो भी बताया। खदीजा ने सारी बातें तवज्जो से सुनी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई, बोली, आप फिक्र ना करें, आप जैसे पर शैतान कहाँ राह पा सकता है। उस साल रमज़ान आया तो आप फिर गारे हिरा चले गए और हर उस चीज़ से हटकर गौर व फिक्र और इबादत में लग गए। किसी किसी वक्त घर वाले भी आपके पास आ जाते और आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी भी रख जाते। यूँ ही रमज़ान के कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ आप गारे हिरा में आराम फरमा रहे थे, सुबह का वक्त था, अचानक फरिश्ता दिखाई दिया, इंतहाई हसीन व जमील फरिश्ता, हाथ में एक रेशम का टुकड़ा भी था। फरिश्ते ने कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, फरमाया, मा इकरा, मुझे पढ़ना नहीं आता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गला घोंट रहा हो और जिसमें मुबारक को भींच रहा हो। फिर उसने छोड़ दिया और कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा इकरा, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये कहना था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर महसूस हुआ कि वह गला घोट रहा है और जिसमें मुबारक को भींच रहा है। ये कहना था कि आपको फिर महसूस हुआ कि वह गला घोट रहा है और जिसमें मुबारक को भींच रहा है। फिर इसने छोड़ दिया और कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कि अगर इस बार भी वही जवाब दिया तो फिर गला घोटेगा और इस बार और ज़ोर से भींचेगा। चुनाचा फरमाया, माज़ा इकरा, क्या पढ़ूँ। फरिश्ते ने जवाब दिया, जिसका तर्जुमा है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, पैदा किए इंसान को खून की फुटकी से, पढ़ो और तुम्हारा रब भी मेहरबान है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वो कुछ सिखाया जो उसे मालूम ना था। फरिश्ते के बताने पर आपने ये पढ़ा और पढ़ते ही जहन पर नक्श हो गया, फिर फरिश्ता चला गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, दिल खौफ से बैठा जा रहा था और घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गार में हर तरफ देखने लगे, हैरानी और बदहवासी का आलम था। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है। फिर तेज़ी से गार से बाहर आए और पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था, दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो ख्वाब नजर आए वो तो बिल्कुल सही निकले, इनमें बहुत सी नई बातें मालूम हो गईं। जिस चीज़ की तलाश थी वो खुलकर सामने आ गई, लेकिन वो कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था, वो कौन था जो पढ़ने को कह रहा था। अचानक एक आवाज़ आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धक से हो गए, घबराकर सर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट और बढ़ी, खौफ से रोंगटे खड़े हो गए और दहशत से कदम रुक गए। कभी दाएं तरफ आप देखते और कभी बाएं तरफ कि ये सूरत नज़रों से ओझल हो जाए, लेकिन जिधर देखते वही नज़र आता, जिधर रुख करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटें, नज़रें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही था। बहुत देर हो गई, आप यूं ही थर थर काँपते रहे और न जाने क्या क्या सोचते रहे। इधर बीबी खदीजा ने गार में आपके पास आदमी भेजा, वहाँ आप ना मिले, रिश्तेदारों के यहाँ दिखवाया, वहाँ भी ना थे, यहाँ वहाँ दौड़ाया, लेकिन ना मिलना था ना मिले। फिर फरिश्ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास आ गए, खौफ से लरसते हुए और पसीने में नहाए हुए। आते ही आपने फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। फौरन बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी, मगर आपकी यह हालत देखकर वह बहुत घबराई और दिल में तरह तरह के ख्यालात उमड़ने लगे।
कि क्या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्या आपको तप लर्जा हो गया, क्या आप पर कोई आफत आ पड़ी। फिर जब सुकून हुआ, खौफ कुछ दूर हुआ और जिस्म की कपकपी में कमी हुई तो बोली, आप थे कहाँ और आपको क्या हुआ। आपने उनकी तरफ देखा, नज़रों से बड़ी बेबसी और बेचारगी टपक रही थी। ऐसा लग रहा था गोया मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर फरमाया, खदीजा मुझे क्या हुआ। इसके बाद जो कुछ आपने देखा था वो बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। मगर बीबी खदीजा बहुत होशियार थी। ये बातें सुनकर वो ज़रा भी ना घबराई, बल्कि उन्होंने आपको बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा। चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया और बोली, मेरे चचा के बेटे खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, सिलाई रहमी करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मजबूरों और बेकसों को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ा करते हैं, हक़ के कामों में मदद करते हैं। भला अल्लाह ताला आपको कैसे ज़ाया कर सकता है। खदीजा की इन बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ढारस बंधी, सारी बेचैनी दूर हो गई और चेहरे मुबारक खुशी से तिमतिमा उठा।